Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to start with class 11th, chapter number 1 of statistics. Right? Concept of economics and significance of statistics in economics. ये basically मैं आपको TRGN से करवाऊंगी, तो आपको important भी साथ साथ बताते रहूंगी कि क्या क्या important है आपके exam point of view से. तो right, जो basic आपको ये कुछ minutes में आपको इसका बेसिक ओवरव्यू दे दूंगी कि पूरा इस चैप्टर में क्या है, तो आपको हर एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. राइट, तो अब इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं. बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या होती है? देखो, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, जो इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं अराइजिंग आउट ऑफ द फैक्ट, उन फैक्ट में से जो निकलते हैं दैट रिसोर्सेज आर स्केर्स इन रिलेशन टू आवर नीड्स. ठीक है, क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें हैं उनके रिलेशन में जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं. स्केर्स मीन्स उनकी कमी है, वो पूरे भरपूर नहीं है. राइट, और दूसरा पॉइंट क्या है कि स्केर्स रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, कि स्केर्स रिसोर्सेज हैं जिनको वो उनके अल्टरनेट यूज़ भी हैं. मतलब एक रिसोर्स को हम एक तरीके से नहीं यूज़ कर सकते, अगर इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं. तो इन सब चीज़ों की स्टडी क्या है? इकोनॉमिक्स है. राइट, इकोनॉमिक इश्यूज़, इनमें से जो इश्यूज़ निकलते हैं इन इस फैक्ट में से कि रिसोर्सेज स्केर्स हैं. देखो, इसमें दो पॉइंट्स हैं. एक पहला पॉइंट कि दैट रिसोर्सेज आर स्केर्स इन नेचर, एंड सेकंड पॉइंट इज दैट स्केर्स रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस. तो बस आपको ये दो बेसिक पॉइंट्स लिख के आने हैं, दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ, उसके बाद ये दो पॉइंट्स बना देना आप. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि कंज्यूमर क्या है? अब कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स को कंज्यूम करता है, कंज्यूमर या बायर. सपोज़ आप अपने स्कूल की कैंटीन में हो, आप 10 रुपए की पैटीज लेने गए, तो यू आर अ कंज्यूमर. आपने ली, आपने उसको फिनिश किया, यू आर अ कंज्यूमर हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वॉन्ट्स. आपको भूख लगी थी, आपने इसलिए पैटी ली, आपने वो खाई, तो उससे आपकी वॉन्ट्स जो थी वो सेटिस्फाई हो गई. राइट, सो अ कंज्यूमर इज अ वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वॉन्ट्स. ठीक है, अब इसके बाद है कि कंजम्पशन क्या होती है? कंजम्पशन है प्रोसेस, ये प्रोसेस है ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ अ वॉन्ट्स. हमारी वॉन्ट्स की डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज की यूटिलिटी वैल्यू है उसका प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू. इसमें कंजम्पशन में क्या आ जाएगा? यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. राइट, तो ये लिखना है आपको. अब आ जाता है प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर कौन होता है? जो प्रोड्यूस कर रहा है. सपोज आपका जो कैंटीन वाला है वो कौन हुआ? वो प्रोड्यूसर है या सेलर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है. प्रोड्यूसर को आप मैन्युफैक्चरर की तरह भी ले सकते हो. रॉ मटेरियल, सपोज वो आपको प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, जो चीज़ें बेच रहा है. राइट, या फिर जो बना रहा है उसको आप कह सकते हो प्रोड्यूसर इज अ वन हु प्रोड्यूसेस और सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम. ठीक है, अब जहाँ बाय सेलर का ऑप्शन नहीं लिखा तो वहाँ पे आप प्रोड्यूसर भी उसको काउंट कर सकते हो. अदरवाइज प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं? जो मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को रॉ मटेरियल में से. ठीक है, अब प्रोडक्शन क्या होती है? देखो, प्रोडक्शन है, प्रोसेस है, फिर ये कंजम्पशन, प्रोडक्शन, ये सब प्रोसेस हैं. प्रोसेस किस चीज़ के? रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करना यूजफुल थिंग्स में. सपोज आपकी एक फैक्ट्री है, आप कपड़ा लेके आ रहे हो, कपड़ा उसमें से रॉ मटेरियल आ गया आपके पास, कपड़े से आप ब्लेजर्स रेडी कर करके दे रहे हो, तो वो क्या हुआ? आपकी प्रोडक्शन की फैक्ट्री हुई. राइट, आप प्रोडक्शन कर रहे हो. प्रोडक्शन ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स. यूजफुल क्या थी? ब्लेजर. रॉ मटेरियल क्या था? जो आप फैब्रिक लेके आए. सो थिंग्स बिकम यूजफुल एज दे एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, और चीज़ें यूजफुल हो जाती हैं जैसे उनमें यूटिलिटी वैल्यू आ जाती है प्रोसेस के प्रोडक्शन में. ठीक है, अब सेविंग क्या होती है? अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे हम आते हैं. सेविंग क्या होती है? सेविंग वो इनकम का पार्ट है जो कंज्यूम नहीं होती या जिसे हम खर्चते नहीं हैं. सपोज आपके पास 100 रुपीज़ की आपकी आपको सैलरी मिल रही है. फॉर एग्जांपल, एक 50,000 की सैलरी मिल रही है, उसमें से 30,000 आपके पेरेंट्स खर्च कर देते हैं और 20,000 बच जाता है. वो बचता है वो क्या होता है? दैट इज़ अ सेविंग, कि हमारी ये सेविंग हो गई इस मंथ की. राइट, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड और स्पेंट. इसके आगे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना, दैट मच इज अनफ. उसके बाद अब इन्वेस्टमेंट क्या हुई? इन्वेस्टमेंट वो होती है पार्ट ऑफ सेविंग फॉर कैपिटल फॉर्मेशन. सिंपल वर्ड्स में आप लिखो, सेविंग का ही पार्ट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए. आपके पेरेंट्स की 50,000 सैलरी थी, 30,000 डेली एक्सपेंसिस ये वो मिल मिला के निकल जाते हैं,
20,000 बचे, 20,000 में से 10,000 उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए। मतलब किसका पार्ट हुआ, पहले तो वो सेविंग का पार्ट था 20,000, उसमें से उन्होंने 10,000 किसके लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। अब इन्वेस्ट क्या होता है, फॉर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, सो दैट उससे पैसे से और पैसा बन सके आगे, राइट। इन्वेस्टमेंट आपके पापा पेरेंट्स करते होंगे, कोई शेयर्स मार्केट में करता होगा, कोई FD में करता होगा, कोई म्यूचुअल फंड्स, ये वो सब कुछ रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट चलती हैं। सो पार्ट ऑफ सेविंग फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, को कैपिटल को दोबारा फॉर्म करने के लिए, राइट। तो ये एक्सपेंडिचर है बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स विच हेल्प टू जनरेट इनकम, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर है प्रोड्यूसर का ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स विच हेल्प टू जनरेट इनकम। इनकम जनरेट होती है ना उससे दोबारा, इंटरेस्ट जिसको आप कह सकते हो, तो वो होती है, राइट। तो आप लिख सकते हो पार्ट ऑफ सेविंग फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, सिंपल वर्ड्स में। अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने बेसिक यहाँ पे लिखी है, इट्स एन एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज ऑफ स्केर्स मीन्स, सिंपल बेसिक एक्टिविटी जो कि रिलेटेड है स्केर्स मीन्स के यूज़ के लिए, राइट। तो अब इसमें क्या है, मीन्स, मीन्स क्या होता है, मीन्स जो होता है वो हमेशा स्केर्स ही होते हैं रिलेशन में हमारी वॉन्ट्स के हिसाब से, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इमेजिन करो आप सबसे अमीर इंसान हो इस धरती के, फिर भी आप, मैं कहती हूँ आप सब कुछ नहीं है आप ले सकते एक टाइम पे, राइट। तो इसका मतलब है दैट इट इम्प्लाइज द स्कैसिटी ऑफ योर मीन्स रिसोर्सेज इन रिलेशन टू योर वॉन्ट्स, ठीक है। कभी भी इंसान को सैटिस्फाइड, फुल्ली सैटिस्फाइड नहीं होगा कि हाँ मुझे सब चीज़ें मिल गई हैं, नहीं। आप चाहे सबसे ज़्यादा रिचेस्ट भी हो तो भी आप सब कुछ नहीं ले सकते इस धरती पर, एंड दिस इज़ अ फैक्ट। सो विच मीन्स दैट मीन्स आर ऑलवेज स्केर्स इन रिलेशन टू वॉन्ट्स, हमारी वॉन्ट्स के कंपेरिजन में जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो हमेशा कम रहेंगी, मीन्स हमेशा कम रहेंगे, राइट। उसके बाद आती है स्कैसिटी इज द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयरफॉर ऑफ इकोनॉमिक्स, वही उसी को आपने समझाना है कि स्कैसिटी जो है रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है। ये वही कि 10 रुपए का नोट आपके पॉकेट में, आप या तो कॉफ़ी पी सकते हो या कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो या कुछ स्टेशनरी से सामान ले सकते हो, दैट्स अप टू यू, तो राइट। अब इसी तरह वर्कर है, वर्कर अपनी फैक्ट्री में सर्विसेज दे रहा है, वो ए में फैक्ट्री में दे सकता है, वो बी फैक्ट्री में दे सकता है, वो सी फैक्ट्री में दे सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन हिम, बिकॉज रिसोर्सेज जो है वो स्केर्स हैं और उनका अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हम उस प्रॉब्लम से दौड़ नहीं सकते, दैट एलोकेशन ऑफ लिमिटेड मीन्स टू अल्टरनेटिव यूजेस। एलोकेशन ऑफ लिमिटेड मीन्स क्या मतलब, कि हम जो मीन्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको एलोकेट करना सही तरीके से कि किस यूज़ के लिए उसको किस वक्त लाना है, तो दैट इज़ वॉट वी कॉल इकोनॉमिक प्रॉब्लम और द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, राइट। तो इसे एलोकेशन, स्केर्स रिसोर्सेज को जो हम एलोकेट करते हैं अल्टरनेटिव यूजेस के लिए, उसको कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम जो चॉइस करने की होती है कि किस तरह एलोकेट करें, दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। अब कंजम्पशन ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ, प्रोडक्शन ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि इनकम को हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है। अब लैंड से क्या होता है, लैंड मतलब इनकम, कौन सी इनकम, रेंट। लैंड के लिए क्या हो गया, रेंट। अ पार्ट ऑफ इनकम जनरेटेड विल गो टू ओनर्स ऑफ लैंड, रेंट की फॉर्म में जाएगा इनकम का पार्ट। दूसरी बात, लेबरर्स को वेजेस के पार्ट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल के लिए प्रोडक्शन में इंटरेस्ट की फॉर्म में जाएगा, एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट की फॉर्म्स में जाएगा। तो इनकम का जो पार्ट डिवाइड होता है, दैट इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लैंड में होता है, लेबर में होता है, कैपिटल में होता है, एंटरप्रेन्योरशिप में होता है। ये 4 पॉइंट्स नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टैट्स। अब स्टैट्स बेसिकली क्या होता है, स्टैट्स को हम सिंपल भाषा में कहें तो डेटा। डेटा देखो, आप सुबह से लेकर रात तक कुछ भी करते हो, सपोज आपका यूट्यूब चैनल है, चलो मेरा सपोज यूट्यूब चैनल है, मैं अपने देख रही हूँ कितने लाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, वो क्या चीज़ है, दैट इज़ अ डेटा, ठीक है। कितना एनालिटिक्स जो मैं देखती हूँ, वो दैट इज़ अ डेटा। कितने व्यूज़ आए, आप कुछ भी अपनी क्लास में आपकी टीचर जो है वो बना रही हैं डेटा, कि कितने बच्चों के 80% अबव आए हैं, वो क्या है, दैट इज़ अ डेटा, राइट। तो ये सब चीज़ें डेटा होती हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपकी क्लास में कितने हैं, आपके स्कूल में कितने हैं, वो सब डेटा होता है। तो हम रोज़ की जो रोज़मर्रा की लाइफ है उसमें डेटा का बहुत यूज़ करते हैं। अब किसी भी इवेंट या फैक्ट को जब हम न्यूमेरिक वे में एक्सप्रेस करना करते हैं तो दैट इज़ नोन एज स्टैटिस्टिक्स। अब लेमन लैंग्वेज में बात करी जाए तो जब किसी भी इवेंट या फैक्ट को हम किसी न्यूमेरिक वे में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज स्टैटिस्टिक्स, राइट। स्टैटिस्टिक्स ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होते हैं, बट स्टैटिस्टिकल मेजर जो होता है वो क्वांटिटिव रहता है, ठीक है। अब आगे दो सेंस है स्टैटिस्टिक्स के, कौन से होते हैं, एक प्लूरल होता है और सिंगुलर होता है। प्लूरल पे पहले आते हैं। प्लूरल क्या है, इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डेटा सच एज पॉपुलेशन।
अब इसमें क्या रहता है, प्लूरल नॉन मी, प्लूरल मतलब प्लूरल क्या होता है, एक सिंगुलर होता है एक प्लूरल होता है, सिंगुलर मीन्स एक, प्लूरल मतलब दो, एक से ज़्यादा। तो स्टैट्स इन प्लूरल नाउन में क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है या डेटा है वो सिर्फ एक चीज़ के साथ नहीं रिलेटेड होगा, वो ऑन एन एवरेज सबके साथ रिलेटेड होगा। अब सपोज पॉपुलेशन के स्टैट्स है, एम्प्लॉयमेंट के स्टैट्स है, तो वो मेजर बेसिस पे सबके साथ रिलेटेड है, ठीक है। अब अगर ये कहें कि राम को 100 रुपया पॉकेट अलाउंस मिले तो उसको हम स्टैट्स नहीं कंसिडर करेंगे, क्यों, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है। तो स्टैट्स क्या होती है, जब एग्रीगेट या एक एवरेज लेते हैं कि पूरी स्कूल में इतने बच्चे हैं और इतनों की पॉकेट मनी एवरेज बेसिस पर अगर लगाएं तो इतनी है, तो दैट कैन बी नोन एज स्टैटिस्टिक्स। मगर अगर हम कहें कि सिर्फ आकांक्षा की 100 रुपीज़ है उसकी पॉकेट मनी, तो दैट इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक्स, राइट। ठीक है, एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इज 100 की। अगर हम 10th की बात करें तो हमने सबके पूछ लिए कि इतनी इतनी इनकी पॉकेट मनी है, तो फिर हम एवरेज जो लगाएंगे, एवरेज यार लगा लो कि 100 रुपया तो एक बच्चे के आसपास आता ही आता है, तो वो होती है स्टैटिस्टिक्स, राइट। अब ये जो टेबल की एग्जाम्पल्स दे रखी हैं कि काउ के 4 लेग्स हैं, दैट इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। एवरेज हाइट ऑफ 26+ मेल पीपल इन इंडिया इज़ 5 फीट कंपेयर टू 5 फीट इन नेपाल, तो ये होता है स्टैटिस्टिक्स, राइट। ये मैं आपको टीआर जैन की बुक बता रही हूँ, जिनके पास सीआर जैन की बुक नहीं है, मैं आपको बता दूँ +1 +2 के लिए टीआर जैन ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप डायरेक्टली इसे कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये पूरी सेम टीआर जैन की है नोट्स, इससे भी कॉपी कर सकते हो, राइट। तो ये सब आपको डाटा विच आर नॉट स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा विच आर स्टैटिस्टिक्स के कंपेरिजन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब लिखा हुआ है दैट डू नॉट टेक स्टैटिस्टिक्स एज सम क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन लीडिंग टू एन इंडिविजुअल, लाइक यू हैव 2 ब्रदर्स और 3 सिस्टर्स, ठीक है। सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन किसी भी इंडिविजुअल के रिलेटेड इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स, कि मेरे 2 भाई हैं 3 बहनें हैं, ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं हुआ, ठीक है। तो पॉपुलेशन जब यूनिवर्स की बात आ जाती है तब उसको हम स्टैटिस्टिक्स कंसिडर करते हैं। अब आ गया सिंगुलर सेंस में क्या होता है, अब ये स्टैटिस्टिक्स की कोई टाइप नहीं है, दीज आर द सेंसेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। 2 सेंस में होता है स्टैटिस्टिक्स, या प्लूरल सेंस में, सिंगुलर में। सिंगुलर में आपको सिंपल लर्न करना है कोपाई, COPAI, ये कोपाई लर्न करना है आपको सिंगुलर में, आप पूरा एक्सप्लेन कर दोगे। अब सिंगुलर सेंस में है क्या, साइंस ऑफ कलेक्टिंग एंड क्लासिफाइंग एंड यूजिंग स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स। सिंगुलर सेंस में क्या है, स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है कलेक्शन की, क्लासिफिकेशन की और यूजिंग स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स को, ठीक है। अब सारा स्टैट्स जो होता है वो डेटा होता है, लेकिन सारा डेटा स्टैट्स नहीं होता, ठीक है। राम के पास 100 रुपये हैं, ये डेटा तो हमें मिल गया, लेकिन ये स्टैट्स नहीं है। तो सारा स्टैट्स डेटा होता है, लेकिन सारा डेटा जो है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, ठीक है। तो अब ये लिख सकते हो, उसके बाद ये वाली ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, दैट बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डेटा अफेक्टेड टू अ मार्केट एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, बाय वेरियस कॉजेज। डाटा जो इफेक्ट होता है टू ए मार्क्ड एक्सटेंट, टू एक्सटेंट, क्वांटिटेटिव डाटा जो इफेक्ट होता है एक एक्सटेंट तक कुछ कारणों की वजह से, दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। तो आप ये सिंपल लिख सकते हो, सिंपल लिखो, क्वांटिटेटिव डाटा अफेक्टेड टू ए एक्सटेंट बाय वेरियस कॉजेज इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद अब इसके आते हैं फीचर्स, कुछ फीचर्स कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये फैक्ट्स का एग्रीगेट है, टोटल है फैक्ट्स का, एवरेज बेसिस पे किया जाता है। वही मैं फिर बता रही हूँ कि 100 रुपीज़ की पॉकेट मनी इज़ नॉट अ डेट कौन इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जब एग्रीगेट करते हैं कि 1000 स्टूडेंट्स है कॉलेज में, उनका 300 स्टूडेंट्स आर्ट्स में है, 400 कॉमर्स में है, इस तरह से अगर हम कन्वर्ट करें तो वो स्टैटिस्टिक्स बनता है, राइट। उसके बाद है न्यूमेरिकल एक्सप्रेस, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस स्टैट्स जो होता है वो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स होता है, ठीक है। क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट्स लाइक स्मॉल, बिग, रिच, पुअर, वो स्टैट्स नहीं होता, राइट। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल एक्सप्रेस होगा हमेशा, और अफेक्ट होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज से, काफ़ी कारणों की वजह से अफेक्ट हो जाता है। नॉट अफेक्टेड बाय ओनली सिंगल फैक्टर बट मैनी, सिर्फ एक फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता, बट बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होता है। फॉर इंस्टेंस 30% राइज इन प्राइजेज में हैव बीन ड्यू टू सेवरल कॉजेज। प्राइजेज में 30% राइज किस लिए आया, एक कारण की वजह से नहीं आया, बहुत सारे कारणों की वजह से आया। सप्लाई में रिडक्शन हुई, डिमांड बढ़ गई, पावर में शॉर्टेज थी, लोगों ने वेजेस लेबर ने ज़्यादा ली, टैक्स बढ़ गए, इस वजह से प्राइस में इंक्रीज आया, राइट। तो आप जो प्राइस में बढ़ता है वो सिर्फ एक वजह से नहीं बढ़ता, हज़ारों कारण होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स भी इसी तरह इफेक्ट होती है बहुत सारे कारणों की वजह से, ठीक है। रीजनेबल एक्यूरेसी है, प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर है,
रिलेशन में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम 40 ईयर्स का है, मोहन 5 फीट टॉल है, सोहन का 60 kg वेट है. देन दिस, तो ये नंबर जो अगर हम अलग अलग काउंट कर रहे हैं, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है. इसी तरह एक के रिलेशन में होना चाहिए. राम 40 ईयर्स का है, सोहन 60 ईयर्स का है, मोहन 50 ईयर्स का है. अगर कुछ इस तरह होता है, एज, हेट और वाइट को हम तीनों को अलग अलग अगर कहें और रिलेट करें, तो वो स्टैटिस्टिक्स, मतलब अगर हम अलग अलग कर रहे हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा. अगर एक एज, हाइट, वेट और तीनों को अगर हम इंटरलेट करें तो फिर वो स्टैट्स होगा. तीनों को इस चीज़ को कंसिडर करें, बट एक का कुछ काउंट कर रहे हैं, एक का कुछ कर रहे हैं और एक का कुछ कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट ए स्टैटिस्टिक्स, राइट. उसके बाद आता है प्री डिटर्मिंड पर्पस. प्री डिटर्मिंड पर्पस क्या है? प्री डिटर्मिंड पर्पस मतलब उसका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो पहले से ही हमें डिटर्मिन कर लेना चाहिए. कि स्टैट्स को कलेक्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस पर्पस के लिए ये स्टेट्स, ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. उसी के बाद आपको स्टैटिस्टिक्स का डेटा कलेक्ट करना है, राइट. तो प्री डिटर्मिंड पर्पस ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है. इनमेरेटेड या एस्टिमेटेड होता है. हम सपोज एग्जांपल लिख सकते हैं कि लगता है कि 1 लाख पीपल अटेंड करेंगे रैली जो प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली में ली, और 2 लाख मुंबई में, राइट. तो ये स्टैट्स किस बेसिस पे हुआ? ये एस्टिमेशन पे बेसिस पे हुआ. तो इस तरह ये एस्टिमेटेड भी रहती ही है, कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर. ये सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करते हैं. प्लान जो होता है बिफोर कलेक्टिंग देम, मतलब डेटा कलेक्ट करने से पहले एक आपके पास प्लान होना बहुत ज़रूरी है, राइट. अब सिंगुलर नाउन में क्या है? सिंगुलर नाउन में मैंने आपको बताया था कि ये टेक्निक है या मेथड है रिलेटिंग टू कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. अब क्या बना? कोपाई. कोपाई क्या था? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, राइट. तो ये है कोपाई. सिंपल लिखना है, इट रेफर्स टू मेथड रिलेटिंग टू कोपाई. कोपाई को आगे आगे फुल फॉर्म कर दो उनकी, ठीक है. सी से क्या आया? कलेक्शन ऑफ डेटा. ओ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. पी से क्या आया? प्रेजेंटेशन. ए से एनालिसिस. आई से इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं. सपोज कोई कोई भी लगा लो, आपको बाड़ी वाला है, कुछ भी है, हम डेटा कलेक्ट करेंगे. वो घर घर जाके रॉ मटेरियल उठाता है, ठीक है. डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करता है? उसको ऑर्गेनाइज करता है. किस वे में ऑर्गेनाइज करता है? कि ये बॉटल है, ये कांच के हैं, ये लोहे का है, ये तांबे का है, ये लकड़ी है, उस तरह. उसके बाद उन्हें प्रेजेंटेशन देगा. प्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होती है? टेबलर, ग्राफ, डायग्राम, इनमें प्रेजेंटेशंस होती हैं. एनालिसिस आगे हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, कोरिलेशन से, रिग्रेशन से, परसेंटेज वाइज, कुछ भी हमें डेटा का एनालाइज करना है वो करते हैं. और फिर उसके बाद जब हमें कॉन्क्लूजन फाइंड आउट करने होते हैं तो उसको डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, राइट. तो ये स्टेजेस हैं सिंगुलर सेंस में, ठीक है. तो इसी को अब आप इन्हीं 5 स्टेजेस को इसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, मतलब थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड कर दो. यही सेम डायग्राम आपने बनानी ज़रूर है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द क्वेश्चन, फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. इसी तरह आप पूरा स्टेज बनाओगे इनकी 5 स्टेजेस, और ये लिख सकते हो इस तरह. और इसी तरह आप इसको एक्सप्लेन करते रहना 1 पॉइंट 2 पॉइंट करके. अब स्टेजेस मैंने आपको बता दी. स्टेजेस कौन सी हुई? स्टेज 1 है कलेक्शन, स्टेज 2 है ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. अब कलेक्शन में क्या है? सैम्पल टेक्निक या सेंसेस के बेसिस पे आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है. सेंसेस मतलब सेंसेस जैसे हमारे घर में भी आते हैं ना लोग डेटा लेने, कि हाँ जी आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं. एक टाइम आता है 5 साल बाद जब सेंसेस पूरा अकाउंट होता है कि कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, कितने की क्या सैलरी है, सब कुछ आता है. तो सैम्पल टेक्निक क्या होती है? सैम्पल, जब सब 100 बच्चे हैं, 100 में से हमने 5 या 15 के बच्चों के बेसिस पे हमने पूरा डेटा उस अकॉर्डिंग हमने रेडी कर दिया सैम्पल के बेसिस पे. तो वो थी सेंसस और सैम्पल टेक्निक. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं टेलीबार्स में या एरे ऑफ डेटा में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है, वो आगे आगे हम करेंगे कैसे होता है. प्रेजेंटेशन, टेबल्स, ग्राफ्स और डायग्राम्स के वे में प्रेजेंटेशन देते हैं. एनालिसिस, अब एनालाइज करना डेटा को, परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोएफिशिएंट्स, ये सब अभी आगे करेंगे. इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज देखेंगे, एवरेज देखेंगे, ठीक है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स. तो ये सब हम करेंगे कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने के लिए. उसके बाद आता है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स. अब स्कोप में नेचर आता है, सब्जेक्ट मैटर आता है और लिमिटेशंस आता है. अब नेचर क्या होता है? जहाँ पे क्वेश्चन नेचर का आ गया, दैट व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कुछ भी, किसी भी टॉपिक का नेचर आ गया, तो आपको करना है साइंस एंड आर्ट. नेचर मतलब साइंस या आर्ट, तो उस वे में आपको समझाना है.
अब साइंस क्या होती है, साइंस स्टडीज न्यूमेरिकल. अब ने स्टैटिस्टिक्स जो है वो साइंस किस वे में है, वो साइंस इस वे में है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो इट स्टडीज न्यूमेरिकल डेटा, इट स्टडीज न्यूमेरिकल डेटा इन साइंटिफिक या सिस्टमैटिक मैनर में, राइट. साइंस की वे में स्टडी, इट स्टडीज न्यूमेरिकल डेटा को वो सिस्टमैटिक मैनर में जो हम पढ़ते हैं उसको साइंस के वे में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, राइट. और आर्ट की तरीके से साइंस स्टैटिस्टिक्स जो है इट रिलेट्स अ क्वांटिटेटिव डेटा टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कंसिडर करने के लिए, ठीक है, उससे रिलेट करती है. तो इन दैट वे वी कैन कंसिडर स्टैटिस्टिक्स एज एन आर्ट और अ साइंस. साइंस की फॉर्म समझा दी कि न्यूमेरिकल डेटा को हम सिस्टमैटिक मैनर में जब अरेंज करते हैं, स्टडी करते हैं, दैट इज इन द वे ऑफ साइंस. और आर्ट की फॉर्म में जब हम क्वांटिटेटिव डेटा को अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स से रिलेट करते हैं, वो आर्ट की फॉर्म में होता है. अब अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम जो इंडिया में है, विद दिस व्हेन द साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सपोर्टेड विद क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है. अब उस डेटा को जब हम कन्वर्ट कर देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को डेटा में कन्वर्ट कर दिया, तो वो आर्ट्स की फॉर्म में आ जाती है, राइट. अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट मैटर डिस्क्रिप्टिव में है और इन्फरेंशियल स्टैट्स में है, ठीक है. अब डिस्क्रिप्टिव कौन सी होती है, वो मेथड्स जो कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस ऑफ डेटा के लिए यूज होते हैं, वो होते हैं डिस्क्रिप्टिव. तीन चीज़ों के लिए, कलेक्शन, प्रेजेंट, डेटा को कलेक्ट करा, डेटा को प्रेजेंट करा और एनालाइज करा, दैट्स इट. वहाँ तक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है. लाइक हमने साइंस में मैथ्स, लाइक हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कौन सी होती है, व्हेन यू फाइंड, आज जब आप ढूंढते हो कि साइंस में मार्क्स कितने हैं, मैथ्स में कितने हैं, हर क्लासेस के इंटरमीडिएटली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, तो ये आपने करा. अब इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में क्या होता है, वो मेथड में जब आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो रिलेटिंग टू पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन सैम्पल, सैम्पल के बेसिस पे आप पूरी पॉपुलेशन का कंक्लूजन ड्रॉ करते हो. सपोज आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से आपने 5 बच्चों के कहा कि यार इसके 25 मार्क्स है, इसके 50 में से 25 है, इसके 50 में से 30 है, इसके, तो उस बेसिस पे आपने पूरी क्लास का कर दिया कि एवरेज इस क्लास में इतने मार्क्स हैं इस सब्जेक्ट में, तो वो हो गया इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, राइट. कंक्लूजन्स आर ड्रॉन अबाउट पॉपुलेशन ऑन बेसिस ऑफ सैम्पल, ठीक है. पॉपुलेशन या यूनिवर्स क्या हो गया, सपोज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और सैंपल क्या हुआ, जिन 5 बच्चों को हमने चूज किया, दैट इज अ सैंपल, राइट. तो ये हो गया इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. अब लिमिटेशंस, लिमिटेशन मींस कौनस क्या है, कमियां क्या है स्टैटिस्टिक्स की, कि सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को पढ़ता है, ठीक है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम को तो पढ़ता ही नहीं है. ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, ये सब चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में नहीं पढ़ सकते. स्टैटिस्टिक्स जो है वो हम सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स में पढ़ सकते हैं. अब इट इज़ अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, ठीक है. अब दूसरी लिमिटेशन क्या है, कि ये इंडिविजुअल्स को नहीं पढ़ता, ये एग्रीगेट्स या एवरेज को ही पढ़ता है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. उसके बाद है होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट. रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, रिजल्ट्स जो हैं वो सिर्फ सही तभी आएंगे जब एवरेज के बेसिस पे होते हैं, अदरवाइज रिजल्ट्स नहीं सही आते. विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूफ टू बी रॉन्ग, रेफरेंसेस के बिना रिजल्ट्स जो हैं वो सही नहीं आ सकते, गलत भी हो सकते हैं, राइट. क्योंकि कंक्लूजन्स जिनके बेसिस पे, सर्कमस्टांसिस के बेसिस पे, जिनके बेसिस पे हमने स्टडी ड्रॉ की है, वो रॉन्ग भी हो सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर बार सही हो, ठीक है. अब जैसे ये पढ़ा हुआ है कि इन एक क्लोथ के बिजनेस में प्रॉफिट अर्न हुए 3 साल में 1,000, 2,000 और 3,000, और दूसरी हाथ पे पेपर बिजनेस में प्रॉफिट 3 साल में हुए 3,000, 2,000 और 1,000. तो एवरेज प्रॉफिट बोथ द बिजनेस में कितने हुए, 2,000 पर एनम. बट इट मे लीड टू कंक्लूजन दैट द बोथ बिजनेसेस हैव सिमिलर इकोनॉमिक स्टेटस, बट इट मे नॉट बी ट्रू. बट ये सही नहीं है, क्योंकि देखो क्लोथ का बिजनेस जो है वो पहले साल में 1,000 प्रॉफिट था, दूसरे साल में 2,000, फिर तीसरे साल में 3,000. उसका जो है वो प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, क्लोथ का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है. लेकिन इन कंपैरिजन टू पेपर, पेपर की बात करें तो वो डिक्लाइन हो रहा है. 3,000 पहले साल में था, फिर 2,000 प्रॉफिट हुआ, अब 1,000 प्रॉफिट हुआ, तो वो डिक्लाइन हो रहा है. तो इस तरीके से इट इज़ नॉट नेसेसरी कि रिजल्ट हमेशा सही बताएं. इट कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट्स. ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक जो है वो आप नॉर्मल इंसान नहीं यूज़ कर सकता, वो एक्सपर्ट्स ही यूज़ करते हैं. प्रोन टू मिसयूज. अब स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज़ भी बहुत कॉमन है, ठीक है. स्टैटिस्टिक्स में यूज टू सपोर्ट अ प्री ड्रॉन कंक्लूजन इवन व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स. स्टैटिस्टिक्स को है जो वो प्री ड्रॉन कंक्लूजन की तरह ही हम मानते हैं, बेशक वो गलत भी हो तो भी उसको हम यूज़ कर लेते हैं उसमें. तो ये सबसे बड़ी इनकी लिमिटेशन है.
और एक हो सकता है कि इट लैक्स मैथमेटिकल एक्यूरेसी, जिस तरह मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी होती है उस तरह इसमें नहीं होती। तो राइट, अब इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है कि क्वांटिटेटिव वे में एक्सप्रेस करता है किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। इट सिंप्लीफाइज कम्प्लेक्स डाटा, कम्प्लेक्स से डेटा को बहुत सिंपल कर देते हैं। अब हमें अनएम्प्लॉयमेंट है, हमें ऐसे नहीं समझ आएगा कि देश में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। जब लिखा होगा कि 20% ऑफ पॉपुलेशन इज अंडर अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड, तो फिर हमें समझ आएगा कि हाँ, तो उसको क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स, जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्वांटिटेटिव वे में समझाते हैं। राइट, इंटरसेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन। अब ये एक टेक्निक देता है कंपेरिजन की, कि हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं इंटरसेक्टोरल और इंटर टेम्पोरल। इकोनॉमिस्ट जो है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन पे आके नहीं रुकते प्रॉब्लम की, वो आगे फर्दर ट्राई करते हैं कि किस तरह कॉम्प्रिहेंड करें इंटरसेक्टोरल और इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन से। तो इस तरीके से कंपेरिजन होते हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर इकोनॉमिस्ट को पता लग जाए कि ये डिमांड की कमी की वजह से थी कि इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमी में हुई वो श्रिंक हो गई, तो वो गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि कुछ मेजर्स लीजिए सो दैट इकोनॉमी में डिमांड बढ़ सके, जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। राइट, तो ये होता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। दस थ्रू द स्टैटिस्टिकल स्टडीज, राइट, इस स्टैटिस्टिकल स्टडीज की वजह से होता है कि इकोनॉमिक्स को पता लगेगा कि हाँ, ये जो डिमांड में कमी हुई है यार, वो इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो गई किस वजह से, क्योंकि डिमांड नहीं आ रही, डिमांड में कमी हुई है। तो वो गवर्नमेंट को सजेस्ट करेगा कि ऑब्वियसली यार, आप हेल्प करो कि किसी तरीके से इकोनॉमी में डिमांड बढ़े, जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। उसके बाद क्या होती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। तो ये हेल्प करता है कि फॉर्मुलेट और टेस्ट करे थ्योरीज को। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग क्या होता है, वेदर फोरकास्टिंग का आपने वर्ड जरूर सुना होगा। उसमें क्या होता है, वेदर को फोरकास्ट करना, फोरकास्ट मतलब प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में कल के दिन बारिश हो सकती है, तो दैट इज़ नोन एज फोरकास्टिंग। तो इकोनॉमिस्ट भी इस तरह फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या रहेगा, तो इट इज़ स्टैटिस्टिक जो है वो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग है। उसके बाद पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती हैं इसकी वजह से। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो स्टेट बैलेंस का, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का, जहाँ पे प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं और कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो होता है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसकी वजह से ये भी पता लगता है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का। तो इससे आपका चैप्टर फिनिश हो गए, ये सब इंपॉर्टेंट है जो मैंने अंडरलाइन करे हैं, वो कर सकते हो पॉइंट्स। ठीक है, कुछ और क्वेरीज रहती हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अब हम धीरे धीरे सारा स्टैट्स कवर अप करेंगे, फिर उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी आएंगे, एंड देन प्लस टू का भी इसी तरह कंप्लीट करेंगे। कुछ और क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। टेक केयर, बाय बाय, और खूब सारी मस्ती करो, इन्जॉय करो, एंड प्लस वन को बहुत सारा इन्जॉय करो। राइट, बाय बाय, टेक केयर।